हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने साइज सेपरेशन का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग साइज सेपरेशन के इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीव सेकर मशीन के बारे में और एयर सेपरेटर के बारे में। मेरा नाम है महेंद्र, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीव सेकर मशीन के बारे में। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम एक सीव्स का नेस्ट प्रिपेयर करते हैं, उसमें जो है हमारा जो पार्टिकल है वो सेपरेट होता है अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल साइज। इसमें हम जो है एजिटेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि सीव सेक होती है और हमें साइज सेपरेशन प्राप्त होता है। तो इसमें इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें तो क्या है, पाउडर ड्रग इज सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स पार्टिकल साइज यूजिंग ए नंबर ऑफ सीव्स इन ए नेस्ट बाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजिटेशन। इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ एजिटेशन प्रोवाइड करके और एक काफी सारी सीव्स को अटैच करके हम साइज सेपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है जो काफी सिंपल है, इसमें हम एक सीव का नेस्ट प्रिपेयर करते हैं जिसको कि हम एक अटैच कर देते हैं मैकेनिकल सेकर के साथ में। तो ये जो हमारा सीव का नेस्ट है इसमें ऊपर की ओर रहता है लिड, जहाँ से हमें जिस सब्सटेंस का साइज सेपरेशन करना है उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, और नीचे के साइड एक होता है रिसीविंग पैन। इनके बीच में जो हमारी सीव्स होती हैं उसमें जो हमारी सबसे मोटे मिस साइज की सीव है वो सबसे ऊपर रहती है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और लास्ट में जो है हमारी फाइनेस्ट सीव रहती है, और इसको हमें मैकेनिकल सेकर के ऊपर अटैच कर देते हैं। सीव्स आर अवेलेबल जो कॉमर्शली एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ जो फार्माकोपिया, जो सीव्स है वो जो कॉमर्शली अवेलेबल है फार्माकोपिया के स्पेसिफिकेशन के अनुसार। दी सीव्स आर फिक्स्ड इन ए मैकेनिकल सेकर अपरेटर्स, ये जो सीव्स है इनको हम मैकेनिकल सेकर अपरेटर्स के ऊपर अटैच कर देते हैं। इसमें जो हमारी सीव्स है ऊपर की ओर जो सबसे मोटे में साइज की, या आप कह सकते हैं कि मतलब वो सबसे कम साइज की जो सीव है, मीन्स अगर हम जो है बात करें वो 10 नंबर की सीव वो सबसे ऊपर रहेगी, उसके बाद में 22 नंबर की, उसके बाद में 44, इस तरह से हम जब वो करते हैं, और अंतिम में जो हमारी सीव होती है वो सबसे फाइनेस्ट सीव होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके वर्किंग के बारे में, ये किस तरह से काम करता है। तो सीव्स आर अरेंज्ड इन नेस्ट विद कोर्सेस्ट एट द टॉप, हम इसमें सीव्स को एक नेस्ट की तरह, या आप कह सकते हैं हिंदी में घोंसले की तरह, हम इसको अटैच कर देते हैं एक के ऊपर एक, और जो हमारी कोर्सेस सीव होती है जो सबसे मोटी सीव होती है वो सबसे टॉप में रहती है, और उसके बाद में जो है फाइन सीव्स होती जाती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए सैंपल ऑफ 50 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन द टॉप सीव एंड हर सेकेंड फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट तक। तो हम अप्रॉक्सीमेटली 50 या 100 ग्राम का सैंपल लेते हैं और उसको हम सीव के ऊपर डाल देते हैं, और उस सीव को हम सेक करते हैं एक निश्चित टाइम के लिए, आप कह सकते हैं 20 मिनट या वो 10 मिनट, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने टाइम के लिए आप उसको सेक करते हैं। द पाउडर रिटेन ऑफ ईच सीव इज वेट, मीन्स जो पाउडर हर सीव में जो पाउडर रिटेन होता है रुकता है उसका हम वेट निकाल लेते हैं। वो टाइप of the motion influence sieving and vibratory motion is most efficient, means जो भी हमारा सीव सेकर मशीन में जो भी हमने मैकेनिकल सेकर अटैच किया है उसका जो मोशन है वो हमारे सीविंग की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, बट जो हमारा वाइब्रेटरी मोशन है ये मोस्ट इफिशियंट मोशन कहलाता है, मतलब जो वाइब्रेशन है वो सबसे इफिशियंट मोशन कहलाता है। अब हम इसका एडवांटेज देख लेते हैं। तो इट इज इनएक्सपेंसिव सिंपल रैपिड विद रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट, ये एक इनएक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है, सिंपल इक्विपमेंट होता है, और इसमें जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट मिलते हैं। अब हम इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो इसका जो पहला डिसएडवांटेज है, लोअर लिमिट ऑफ पार्टिकल्स इज 50 माइक्रोमीटर, मीन्स इसमें आप 50 माइक्रोमीटर से कम पार्टिकल साइज का
सब्सटेंस का साइज सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी सबसे फाइन सीव आती है वो हमारी 50 माइक्रोमीटर के नीचे की सीव नहीं आती है। इफ पाउडर इज नॉट ड्राई, अगर पाउडर ड्राई नहीं है, सीव्स गेट क्लॉग, तो हमारी सीव जो है वो भट जाएंगी और हमारी प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी, उसको हमें फिर से क्लीन करना पड़ेगा, फिर से उसको करना पड़ेगा। तो अगर हमारा सबसे ड्राई है तो ही हम इसमें उसका साइज सेपरेशन कर सकते हैं, पार्टिकल साइज एनालिसिस कर सकते हैं। बट अगर हमारा सब्सटेंस ड्राई नहीं है तो उस कंडीशन में हमारी सीव्स भट सकती हैं, जिससे कि हमें इम्प्रॉपर सीविंग प्राप्त होगी। और जो हमारा इसका तीसरा एडवांटेज है वो क्या है, ड्यूरिंग सीविंग साइज रिडक्शन अकर, वो जब हम जो है मोशन क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत साइज रिडक्शन भी होता है, जिसके कारण कि हमारा जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा बहुत जो है एरर हो सकती है, एस्टिमेशन एरर का उसमें थोड़ा बहुत रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एयर सेपरेटर के बारे में। तो अगर हम इसका प्रिंसिपल देखें, इन दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स, एयर एनवायरनमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ रोटेटिंग डिस्क एंड ब्लेड्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पार्टिकल है उसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उसमें हम एक जो है ऐसा एयर का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वो जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हमारे पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं। और ये जो एयर, जो हमारा एयर एनवायरनमेंट है, ये हम ब्लेड्स या वो डिस्क के रोटेशन से क्रिएट करते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं ये किस तरह से होता है। तो अब हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये इस इक्विपमेंट का डायग्राम है। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है फीड इनलेट है, इस प्लेस से वो जिस सब्सटेंस का साइज सेपरेशन करना है उसको हम यहाँ पे वो लेके आते हैं। इसके अंदर जो वो रोटेटिंग डिस्क और रोटेटिंग ब्लेड्स अटैच होती हैं, जो कि मूव करती है, जिसके कारण कि एक एयर इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट होता है, हवा का इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट होता है। तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैवी होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो आउटलेट है आपका हैवी पार्टिकल्स का, वहाँ से वो निकल जाते हैं, और जो पार्टिकल हल्के होते हैं वो थोड़ा दूर तक जाते हैं और वो अलग से कलेक्ट हो जाते हैं आउटलेट ऑफ फाइन पार्टिकल्स में। तो इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल विद ए कोनिकल बेस। ये एक तरह का होता है आपका सिलेंड्रिकल वेसल होता है, जिसका बेस जो है कोनिकल होता है। फीड इनलेट इज फिटेड टू द अपर पार्ट ऑफ द वेसल, मतलब जो फीड इनलेट है वो इसके अपर पार्ट में अटैच होता है। जो हमारी रोटेटिंग डिस्क और ब्लेड्स है, रोटेटिंग डिस्क एंड ब्लेड्स आर अटैच टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वेसल विद शाफ्ट टू प्रोड्यूस एयर एनवायरनमेंट। मीन्स जो हमारी ब्लेड है और जो डिस्क है उनको हम जो सेंटर में अटैच करते हैं, जिसके कारण कि हमें एक एयर एनवायरनमेंट प्राप्त होता है जब वो रोटेट होते हैं। एट द बेस टू आउटलेट्स आर प्रोवाइडेड, इसके बेस में दो आउटलेट्स होते हैं, एक आउटलेट आपका फाइन पार्टिकल्स के लिए होता है और एक आउटलेट हमारा हैवी पार्टिकल्स के लिए होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके वर्किंग के बारे में। तो जो इसके अंदर डिस्क और ब्लेड्स हैं उनको हम अलाउ करते हैं रोटेट करने के लिए, जिसके कारण कि हमें वहाँ पे एक एयर का करंट प्राप्त होता है, एयर का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जो भी हमारा सैंपल है जिसका हमें साइज सेपरेशन करना है उसको हम इनलेट के थ्रू इसके अंदर लाते हैं। तो जब वो आता है तो क्या होता है, वो जो गिरता है रोटेटिंग डिस्क के ऊपर, जो डिस्क हमारी रोटेट होती है उसके ऊपर गिरता है। तो जब गिरता है तो क्या होता है, तो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो जो है थ्रो हो जाते हैं स्पेस में, मतलब वो जो है दूर की ओर थ्रो हो जाते हैं और उनको हम फाइन पार्टिकल्स के आउटलेट से कलेक्ट कर लेते हैं। बट जो हमारे हैवी पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो अपने वेट के कारण फॉल डाउन हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और उनको हम जो हमारा हैवी पार्टिकल का आउटलेट है वहाँ पे हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसके यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इट इज ऑफन अटैच टू द बाल मिल एंड हैमर मिल, ये अधिकतर बाल मिल और हैमर मिल के साथ में अटैच किया जाता है कि जब साइज रिडक्शन हो तो साथ में ही साइज सेपरेशन भी हो जाए। तो इसमें हम इसको अटैच करके साइज सेपरेशन भी कर सकते हैं, और इस प्रोसेस में जो हमारे ओवर साइज जो मटेरियल है उनको हम जो फिर से बाल मिल या हैमर मिल में डाल देते हैं, और तब तक करते रहते हैं जब तक हमें रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज रेंज का सब्सटेंस प्राप्त नहीं हो जाता है। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इट इज ऑल अबाउट दीज टू इक्विपमेंट्स। अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।